हम लोग स्पाइस रूट आयुर्वेदिक गार्डन पे आए। यहाँ पर हम लोग एक घंटे का हमारा विजिट है, इसमें हम लोग पूरा शो करेंगे कि क्या आयुर्वेदिक कैसे बनते, कैसे उगते हैं, कैसे उगाते हैं, और उनकी शॉप्स वगैरह भी है। तो हम लोग ने यहाँ पर अभी टिकट 100 रुपीज़ का टिकट हम लोग बाय करेंगे, अंदर जाएंगे। और ये स्पाइस गार्डन है। हाँ, सो अभी हम लोग जा रहे हैं। और इनॉग्रेट बाय अफ्तान सईद अली ने इनॉग्रेट किया था। और ये स्पाइस के नेम है बहुत सारे जितने भी है ना। यहाँ पर गाइड है जो अपनों को पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि कहाँ का क्या स्पाइसेस है। सो लेट्स जाते हैं। मुंबई से? या मुंबई माल। ये देखे तो दालचीनी आएगा जी। दालचीनी? दिस वन। ये दालचीनी का पेड़ है जी। दालचीनी देखा तो दो वैरायटी में आएगा, वो जानते हैं लोग क्या क्या वैरायटी है? दो टाइप में आएगा, ऐसा बाहर वाला आएगा, एक रोल जैसा भी आएगा। हाँ। दोनों एक ही पेड़ में आएगा, मतलब ऐसा चाकू से कट करेगा तो बाहर वाला मिलेगा, मतलब गर्म मसाला के लिए चाहिए तो वो अच्छा है। और ये अंदर वाला मशीन से कट करना था, वो रोल जो होता है। ओके, इससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग अंदर वाला आएगा, तो ये सब में डाल सकते हैं, यानी बूटी वगैरह और पानी में, चाय में, सब में डालने वाला है तो अंदर वाला अच्छा है। और इसका पत्ता आएगा तेज पत्ता। इसका ही पत्ता तेज पत्ता इसका रहता है? तेज पत्ता नीचे पड़ा हुआ ना। हाँ, अच्छा ये तेज पत्ता है। बोला लो। हाँ देखो, ये तेज पत्ता है। हाँ ये तेज पत्ता है, इसी का पत्ता है जो दालचीनी का ही पत्ता तेज पत्ता होता है ना। और ये डालते हैं तेज पत्ता हर सब्जी में। इसको काट के निकालता है? दो है, अपर एक अंदर है, आउटर है ना, इनर 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 सेल। इसको लगाया कैसे? जब इसको सीड डाल के है, इससे सीड से ही इन्होंने प्लांट बनाया है ऐसा। ये बाद में बड़ा हो कितना बड़ा बनता है। अभी इधर सीड मिलेगा। आ ये फ्रूट है ना। हाँ, कोको। कोको सुना है आपने? कोको चॉकलेट पाउडर। हाँ, चॉकलेट बनता है। हाँ, जिससे तैयार करते हैं। और एक कोको है, इसका सीजन देखा तो डेली इसमें सीड है, हर दिन इसमें सीड आएगा। बट ऐसे सीजन जैसा देखा था फरवरी मई में रूट तक आएगा। एक फुट 5 महीने के बाद देखा है तो येलो नहीं तो रेड जैसा जाएगा, तब तोड़ने का। फिर इसका अंदर वाला धनिया निकाल के पाउडर करने का, तब मिलेगा कोको पाउडर, चॉकलेट पाउडर। ये सब में डालने वाला तो अच्छा है। और इसके ऊपर मेडिसिनल फायदा भी बहुत ज़्यादा है, वो जानते हैं आप लोग? नहीं नहीं मालूम। मतलब बीपी वाले लोग को जल्दी जल्दी डिप्रेशन आएगा, टेंशन आएगा, वो सारा दूर जाने के लिए डार्क चॉकलेट खाने का, नहीं तो इसका पाउडर दूध के अंदर मिला के देने का। ओके, और भी फायदा, ऐसा पढ़ाई वाला बच्चा लोग देखा तो बहुत सारा पढ़ाई करेगा, थोड़ी देर बाद पूछे, थोड़ी देर के बाद पूछेगा तो सारा भूल जाएगा। ऐसा वाला बच्चा लोग को पढ़ाई करने के आधा घंटा पहले डार्क चॉकलेट देने का, नहीं तो इसका पाउडर दूध के अंदर मिला के देने का। क्या क्या करेगा, सारा स्टोरेज करने में कैपेसिटी मिलेगा, मतलब इसके अंदर जिंक कंटेंट बहुत ज़्यादा है। साइंटिफिकली प्रूव्ड है। ओके, चॉकलेट तुलसी से आएगा जी, इसको कृष्ण तुलसी बोलेगा। तुलसी 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 आएगा। अच्छा, इसको बिल्ली तुलसी बोलेगा। बिल्ली तुलसी। तुलसी क्या आवाज में देसी तुलसी आएगा। तुलसी मतलब जो तुलसी पाउडर वो सेम तुलसी या तुलसी या श्याम तुलसी आएगा। देखा था कर्पूर तुलसी आएगा। हाँ ओके, कर्पूर तुलसी में बहुत सारे, कर्पूर तुलसी, कर्पूर तुलसी में है। मतलब इसके ऊपर माइग्रेन, साइनसेस, नींद की परेशान दूर जाने के लिए एक काम करेगा। ओके, कर्पूर के लिए, साइनसेस के लिए इससे तेल निकाल। ओके, ये से कर्पूर तुलसी से, कर्पूर तुलसी सीड्स नहीं मिलता है ना? इसका सीड्स नहीं, इसका प्लांट नहीं है, इसका रूट रखना था। ओके, इस साइड में देखा तो आपको हिंग देख सकते हैं। हिंग हिंग कौन सा वाला? ये वाला, ये वाला, ये छोटी है ना, छोटा वाला, वो हिंग है। हिंग आएगा, एक पेड़ है। आप लोग रास्ते में रबर ट्री देखा है? हिंग रबर ट्री। हां हां, देखा है? लबर ट्री से लंबा है तो उसको काटते हैं ना बीच में से। हां, सेम प्रोसीजर जैसा आएगा, इसका साइड काटने का, तब दूध आएगा। दूध ड्राई करके यूज करने का हम, तब बनेगा वो दूध को हिंग बनता है। नहीं, हां दूध, दूध का हिंग बनता है। ओके, इसको ड्राई करके इसका पाउडर बनाएंगे जी। इसका ओरिजिनल पेड़ इतना ही छोटा ही रहता है? नहीं, बड़ा साइज में बड़ा आएगा जी। अभी छोटा ही है, बड़ा हुआ नहीं कुछ ना? बड़ा खेती में है जी, मतलब अभी डेमो प्लांटेशन के लिए नया रखा। ओके, डेमो के लिए। इसका ओरिजिनल डुप्लीकेट कैसे पता चलेगा जनता, एनी आइडिया है? नहीं। आप लोग यूज़ करते हैं ना, इसका पैकेट के पीछे देखने के उसमें लिखा हुआ है, वीट फ्लोर नहीं तो राइस पाउडर के अंदर मिला के आप लोग को हिंग मिलता है।
इसमें लिखा हुआ है ऐसा पता चला है। वीट फ्लोर जी तो अगर वो नहीं मिला है तो प्योर है। हाँ ओरिजिनल है तो एक पिंच डालना है, मतलब वो तीन चार पिंच यूज करने के बदले ओरिजिनल है तो एक पिंच डालना है बस। बट ओरिजिनल मिलता है? मिलेगा ओरिजिनल मिलेगा, इसमें क्या परेशानी है मिलने की? नहीं कह के जब रुक यहाँ मिलेगा महाराष्ट्र से मार्केट में नहीं आएगा। ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ आपको, हमारे यहाँ कोकण में खेती ऐसी है हाँ। जहाँ आपका जो है ना वो गिली लगा है ब्लैक पेपर आता है हाँ। जी ये मतलब आप पहले ध्यान रखना, हमारे इधर का क्लाइमेट देखा है तो ये जैसा है, ठंडा है थोड़ा कूल ठंडा है, हाई रेंज एरिया आएगा। इधर का गर्मी देखा तो 18°C to 24°C के अंदर है। ओके इधर का सॉइल देखा तो ब्लैक सॉइल है, नहीं आप उधर देखा है तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, ठंडी आ गया तो एकदम ठंडी आएगा, गर्मी जो है तो एकदम गर्मी जाएगा, और इस उधर का सॉइल भी सूट नहीं आएगा, सब सीड से उधर नहीं नहीं बट इधर ब्लैक पेपर है हाँ। और मैं ये वेलची लगाया उधर से, वेलची है दबाऊंगे नहीं आएगा उधर, एलआईसी नहीं आएगा कोंकण एरिया में है मेरा जो कोंकण नहीं दिस ये रेंज के ऊपर का था कोंकण एरिया कोस्टल एरिया पूरा ऐसा ही है लाइक रत्नागिरी आपको पता है कोंकण में एलआईसी है क्या? नहीं है अभी लगा अभी लगा मैंगो वहां से वहां का फेमस मैंगो है जी, मतलब एलआईसी में पूछ रहा हूं एलआईसी के बारे में। हमारा केरला देखा है तो इधर 14 डिस्ट्रिक्ट है, नहीं नहीं इधर जगह पे एलआईसी नहीं आएगा। अच्छा आपकी जो एलआईसी है ना वो बड़ी है छोटी है? सबका थोड़ा अलग रहेगा उनका, एकदम ग्रीन नहीं है वो। मतलब शुगर वाला लोग को शुगर खा नहीं सकता, वो इसकी बदली काम करेगा, शुगर जैसा मीठा है इसका रूट पत्ता, ये पत्ता है क्या इसका? काइंड ऑफ लीफ लीफ तक मीठा है। और तो नेम क्या है इसका? स्टीविया शुगर फ्री पाउडर। अच्छा जो शुगर मिलता मार्केट में इससे बनता है वो शुगर इसे बनता है शुगर फ्री पाउडर। ओके शुगर वाले लोग को शुगर की बदली यूज करना है ओके, और वाइट शुगर अवॉइड करना चाहिए तो भी ये भी यूज कर सकता है। स्टीविया ये पत्ता को पीसना पड़ता है क्या? जी नहीं मार्केट में इसको क्या बोलते हैं? स्टीविया सिर्फ स्टीविया शुगर फ्री पाउडर स्टीविया हां ओके। और इधर ये सेट में देखा तो ये पेपर मिंट तुलसी आएगा, पेपर मिंट तुलसी हां, ये मतलब स्टीमिंग के लिए यूज करेगा, और सर्दी जुकाम है इसका तेल निकाल सकते हैं चाय में भी डाल सकते हैं, बाम जैसा और पेनर जैसा एक काम करेगा। और उधर देखे तो शिवा तुलसी हाँ शिवा तुलसी, और साइड में लेमन तुलसी लेमन, दोनों का फायदा देखा है तो कराटे तकलीफ दूर करने के लिए काम करेगा, कराटे स्नोरिंग ऐसा खराटे का इसलिए अच्छा ये वाला तुलसी लेमन तुलसी और शिव तुलसी मदद करेगा, लेमन तुलसी और शिव तुलसी हाँ। बाकी सब तुलसी का फायदा देखा तो खांसी जुकाम करेगा हाँ, बट ये फॉर स्नोरिंग के लिए। लेकिन ये तुलसी हमारे यहाँ नहीं आती ना, वही रहती है एक शाम तुलसी रहती है, ये शिव तुलसी और लेमन तुलसी स्नोरिंग के लिए अच्छा है, लेना पड़ेगा इसका स्नोरिंग इशू उसको है हाँ। इस साइड अजवाइन अजवाइन वाला ये अजवाइन पत्ता आएगा, बट ये देखने में अजवाइन जैसा है, मतलब ये अजवाइन नहीं है, इसका पत्ती देखा पत्ता देखा तो ये पतली जैसा है हाँ। इसको इंडियन बोरेज नहीं है तो इरुवेली बोलेगा, ये किडनी स्टोन के लिए काम करेगा। अच्छा ये किडनी स्टोन का पत्ता है? अच्छा इरुवेली इरुवेली स्टोन इंडियन बोरेज मदद करेगा। ओके ओके ग्रेट, ये स्टोन रिमूव करने के लिए, और वो अजवाइन का इंडिगो आएगा, इंडिगो सुना आपने? इंडिगो मेहंदी के साथ मिला के यूज करेगा तो नेचुरल डाई आएगा, इसके लिए इसका फ्लावर यूज करता है। इसका रूट हमारे हाथों में पड़ा होता है एकदम जलन जैसा आएगा, बट इसके अंदर देखा तो विटामिन सी ई एंड सिंक का कंटेंट बहुत ज्यादा है, सो स्कल्प सोरियासिस हटाने के लिए और डैंड्रफ हटाने के लिए एक काम करेगा। ओके और इसका पूरा देखा तो मतलब इसका फ्लावर लीफ बार्क स्टेम रूट सब देखा तो इसके अंदर विटामिन ए एंड बायोटिन कंटेंट बहुत ज्यादा है, सो स्कल्प हेयर रिपेयर के लिए मतलब हेयर फॉल हम सबके अंदर आएगा, टेंशन मत करना चोटने का, और डाई हो जाते हैं ब्लैक हो जाएगा ना? नहीं नहीं हेयर फॉल डैंड्रफ के लिए अच्छा, हेयर फॉल का अच्छा है, हेयर फॉल है तो टेंशन मत करना छोड़ने का, बट उस जगह पे नया बाल नहीं आया तब हम टेंशन करने का। इसका इंडिगो नाम है ना? इंडिगो। ओके हेयर फॉल स्टॉप करने के लिए, नया बाल शुरू आने के लिए, और थिकनेस के लिए लंबा करने के लिए, मैं वीडियो भेज दूंगा है ना, मेन हेयर रिपेयर के लिए इंडिगो यूज करता है। इंडिगो देखा तो इसमें पाउडर बनता है क्या? मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, मैं ले रहा हूं भेज दूंगा। इंडिगो डाई के लिए इसका पाउडर यूज करने का, और हेयर ग्रो के लिए और हेयर फॉल स्टॉप करने के लिए इसका तेल निकालने का। इंडिगो देखा है तो पहले आप ध्यान रखना, आयुर्वेदा एक ही मेडिसिन से हम तैयार नहीं कर सकता, सब मेडिसिन कॉम्प्लेक्स आएगा,
पर एकदम एग्जाम्पल बनाए तो एक सांभर जैसा है, मतलब सांभर हम कैसा बनता है, बहुत सारा वेजिटेबल से, बट इसके ऊपर एक मेन चीज़ आएगा दाल। मैं भी बोल रहा हूँ सारा दाल आएगा, मेन चीज़ आएगा। अभी इंडिगो देखा था, इंडिगो में भी बहुत सारा वेराइटीज़ है, उधर का तो प्लम्बागो इंडिगो नहीं तो ब्लू इंडिगो आएगा, एक सफ़ेद इंडिगो, रेड इंडिगो आएगा, इसमें रेड वाइट इंडिगो आएगा, वाइट इंडिगो, ये सारा मिला के हेयर रिपेयर के लिए मेडिसिन करते हैं। अभी कैंसर वाला लोग का देखा तो कीमो ट्रीटमेंट शुरू करेगा, इसके बाद उसके बाल देखा तो एकदम दूर जाएगा, उन लोग को बाल आएगा बट शुरू आने के लिए टाइम चाहिए, बट ये मेडिसिन लगाने के बाद देखा था 15 दिन के बाद नया बाल शुरू करके देगा। और हमारे जैसा लोग को पहले हेयर फॉल बंद करने के लिए 15 दिन चाहिए, नया बाल शुरू होने के लिए 20 दिन के बाद देखा था उस जगह पर नया बाल शुरू करके देगा। और हेड जो वाइट को ब्लैक करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, दूसरा अलग है। अच्छा अच्छा, ये कौन सा, ये क्या है जी? वो अंदूरियम बोलेगा, शो ही शो, शो पीस है, शो का है, शो का है, डेकोरेशन के लिए, डेकोरेशन। हाँ, ऐसे में देखे तो वुंड हीलर आएगा, नेचुरल वुंड हीलर आएगा, नेचुरल वुंड हीलर, वुंड हीलर। अच्छा, क्या लिखा हुआ है वुंड हीलर? क्या यूज है इसका? इसका पता यूज करने का, क्या केस के लगाने का, मतलब हील करने के लिए, जख्म हुआ तो जख्म पे लगाने का, लगाने का। अच्छा अच्छा, पुराने ज़माने में लोग ये यूज़ करते थे शायद, है ना? हाँ हाँ। और ये इधर आगे पेट देखा तो इसका नाम आएगा मरसूपियम, ये वाला, ये वाला, ये वाला। अच्छा, ये वाला है आपका, ये वाला मरसूपियम, नहीं तो मरसूपियम। प्लांट की फायदा देखा है तो हमारा बॉडी में मेटाबॉलिज्म जैसा फंक्शन है, फंक्शन बराबर नहीं है तो सिर्फ एक चावल का वो हमारा बॉडी में फैट बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल बोला तो कैला देखा था एकदम पतली जैसा, कितना भी उन लोग खा रहे हैं उनका बॉडी में फैट नहीं बढ़ेगा, सिर्फ वेट बढ़ता है, मतलब उनका बॉडी में हाई मेटाबॉलिज्म। और बाकी लोग देखा तो डेली एक्सरसाइज कर रहा है, जिम कर रहा है, योगा कर रहा है, रनिंग कर रहा है, वॉकिंग कर रहा है, रात में कुछ नहीं खाएगा, फूड में बहुत रिस्ट्रिक्शन, सिर्फ पानी भी नहीं पीता है, बट ये सारा कब छोड़ो तब पूरा वापस बढ़ता है। इसका मतलब बॉडी में मेटाबॉलिज्म कमजोर के बारे में, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा बॉडी फैट भी दूर जाएगा, इसके लिए ये मदद करेगा। अच्छा, ये खाने का तो इसके लिए क्या दवा मिलती है? इसका दूध प्लस बार्क मेडिसिन जैसा काम आएगा। ओके, इसका फायदा देखा तो आयुर्वेद आयुर्वेद का जनता ने एक कोर्स जैसा यूज करना आता है, ऐसा एक कोर्स फिनिश करेगा तो मिनिमम 10 kg विथ एक्सरसाइज, 10-20 मिनट के अंदर कुछ एक्सरसाइज, वॉकिंग रनिंग योगा कुछ करेगा तो 10 kg कम कर सकते हैं। ऐसा आराम बैठ के 8 kg कम हो जाएगा, इसके साथ थोड़ा जिम प्रैक्टिस करेगा तो 13 kg तक एक कोर्स में दूर कर सकते हैं। इसका नाम क्या है, दवा का नाम क्या फिर? जो मरसूपिया की दवा, ओके, मरसूपिया, मरसूपिया का हुआ उद, उद देखा था अरबीन वर्ड आएगा उर्द, हाँ, ईगल वुड का फायदा अतर, अगर परफ्यूम सेंड, बट ऐसा भी तोड़ कर देखा तो कुछ इसमें कुछ नहीं आएगा, 10 साल के बाद इसके अंदर एक कीड़ा पानी पीने के लिए जाएगा, एक कीड़ा पानी पीने के लिए जाएगा, एक हॉल करके अंदर जाएगा, फिर हॉल में पूरा फंगस आएगा, ये फंगस अंदर जाने के बाद अगर पेड़ को बीमारी आएगा, फिर ये बीमारी दूर करने के लिए और फंगस ने दूर करने के लिए ये पेड़ एक ऑयल प्रोड्यूस करेगा, वो ऑयल आएगा अतर। अच्छा, इतना बस पेड़ का मैक्सिमम एज देखा तो 300 साल तक है, क्वालिटी बेस में इसको रेट आएगा 1 gram for 10,000 to 2 lakh तक प्राइस है। ये पेड़ में सिर्फ 4 gram मिलेगा, 4 gram एक पेड़ में, बट इसको टाइम लगता है, टाइम अभी कीड़ा आएगा फिर वो, अभी इसका ओरिजिन देखा तो आसाम, नेक्स्ट इधर केरला आएगा, आसाम में देखा तो कीड़ा उधर ही है। अच्छा, हमारे इधर देखा तो हमारा क्लाइमेट में कीड़ा इधर सूट नहीं आएगा, मर जाएगा कीड़ा, आर्टिफिशियली करके रखेगा ऑटोमेटिकली, ओके, फंगस आएगा। अच्छा, ओके, आज वर्ल्ड में वेरी एक्सपेंसिव कॉस्टली वुड कौन सा है तो ईगल वुड आएगा। ओके, ईगल वुड, पीछे एक बेल चल रहा है जी, वो आएगा वेनिला, बेल, हाँ बेल, वेनिला, वेनिला, वेनिला आइसक्रीम का फ्लेवर है वो, आइसक्रीम बनाने के लिए, इससे बीन्स आएगा, बीन्स आइसक्रीम के लिए। स्पाइसेस में वेरी एक्सपेंसिव कौन सा है तो सैफ्रन आएगा, सैफ्रन, आज सेकंड वेनिला आएगा, आज का रेट देखा था 49,000 पर केजी, सो वेरी एक्सपेंसिव वेनिला फ्लेवर बीच। ये दोनों देखा तो चंदन आएगा, और सफेद चंदन आएगा, लाल चंदन आएगा, सफेद चंदन पूजा के लिए, इसका फ्रेगरेंस के लिए, एरोमेटिक फ्रेगरेंस के लिए, फ्रेगरेंस के लिए और कॉस्मेटिक पर्पस के लिए, फर्नीचर के लिए सब काम करेगा।
लाल चंदन देखा तो फेस में लगाना वाला मेडिसिन आएगा, मतलब पिंपल्स डार्क सर्कल्स मार्क्स है सारे हटाने के लिए। और ये आप लोग नॉर्थ इंडियन मेन पूजा के लिए कभी ये भी ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए इतना महंगा। और ये देखा तो मरी आएगा, रोज मरी, काला मिर्च, काली मिर्च, ब्लैक पेपर, ये काली मिर्च का पौधा है, ग्रीन कलर का है ना, अभी बाद में लाल लाइट होता है जी। पेपर में तीन चार वेराइटीज है, पहले ग्रीन आएगा, ग्रीन ऐसा भी तोड़ सकते हैं अचार के लिए, अचार ग्रीन, नेक्स्ट रेड जाएगा, रेड पानी में साफ करेगा तो सफ़ेद मिर्च मिलेगा, डायरेक्ट सनफीट जाएगा तो काला मिर्च, थोड़ा झाड़ का पत्ता तोड़ देने का डंडा, सपोर्टिंग ट्री चाहिए, ओरिजिनल ये जंगली जिंजर आएगा, वाइल्ड जिंजर, जंगली जिंजर नहीं तो फॉरेस्ट जिंजर, जिंजर देखा तो सादा जिंजर का कलर पीला जैसा आएगा, ये जिंजर का कलर देखा तो डार्क ब्राउन नहीं तो ब्लैक जैसा आएगा। सादा जिंजर खाने में एसिडिटी फॉर्म करेगा, इसका सॉल्यूशन आएगा वाइल्ड जिंजर, गैस, एसिडिटी, अल्सर, डाइजेशन, पेट साफ करने के लिए सारा वाइल्ड जिंजर यूज करना है। इसका पत्ता होता है क्या? वाइल्ड, वाइल्ड ना, वाइल्ड, वाइल्ड जिंजर, जंगली जिंजर, मट्टी के नीचे जंगली, तो उसको मार्केट में क्या बोलने का चाहिए? तो जंगली जिंजर, वाइल्ड जिंजर ऐसा बोलने का देते हैं लोग। ओके, आयुर्वेदिक दुकान में मिल जाएगा जी, मिलेगा। अगर ऊपर देखा था जी आपको कॉफी बीन्स में बहुत सारे वैरायटीज है, लाइबेरिया, अरबिका, रोबस्टा, कावेरी आएगा, अरबिका किंग ऑफ कॉफी, वेरी टेस्टी ऑफ कॉफी। ओके, मतलब कॉफी पहले ग्रीन में आएगा, नेक्स्ट रेड जाएगा, तब तोड़ने का, फिर ड्राई करेगा तो ब्राउन आ जाएगा, फिर इसका अंदर वाला धनिया निकाल के पाउडर करने का, तब मिलेगा कॉफी पाउडर, धनिया उसका बीच उसका अंदर वाला बीन्स। ओके, हाँ सर, मैं देखा था आपको टीक देख सकते हैं, मेहंदी आएगा, मेहंदी है, मेहंदी डाई के लिए कभी काम करेगा, हेयर ग्रोथ के लिए भी टीक, ये टीक ना, टीक वाह, टीक 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 फर्नीचर के लिए काम करता है, अच्छा फर्नीचर का टीक है, अच्छा वो टीक, टीक वुड है, टीक वुड, अच्छा टीक वुड फर्नीचर बनता है ना, हाँ हाँ, ये मेहंदी है जी, सबसे एक्सपेंसिव रहता है, हाँ सीजम, सीजम सीजम होता है ना लास्ट, सीजम वुड, साग, हाँ साग होता है, साग का लकड़ी, ये क्या है, रोज है क्या? फिर ये देखा है तो हाइबिस्कस, जासवंदी, जासवंदी, जसवंत, जसवंत फायदा आप लोग को जानता है, हाइबिस्कस, हम बालों के लगाते हैं, हाइबिस्कस तेल बना के बालों के लिए, मतलब इसका तेल, इसका फ्लावर डार्कनेस के लिए अच्छा है। ये देखा था 72 वैरायटी टाइप्स है, मैं एकदम फायदा देखा था, इसमें रेड कलर में 5 पेटल वाला आएगा, इसमें एकदम एंटी डैंड्रफ शैम्पू हम तैयार कर सकते हैं, आधा कप पानी के अंदर इसका पत्ता 5 मिला के क्रश करने का, फिर वो पानी देखा तो ऑयल जैसा आएगा, वो ऑयल से बाल धोने का एंटी डैंड्रफ शैम्पू प्लस कंडीशनर मिलेगा, और रात में एक ग्लास पानी के अंदर इसका फ्लावर, रेड कलर फ्लावर डाल के रखना, सुबह वो पानी पीने का, तो ब्लड प्योरीफाई करेगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, हीमोग्लोबिन इंक्रीज करेगा, बीपी कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा है, एकदम हार्ट प्रोटेक्टर मेडिसिन आएगा, विटामिन एक्स से जोड़ के बाकी सारा इसमें है, रेड रेड फूल, रेड पत्ता वो यूज करने का, रेड वन जो है जी, इसमें फ्लावर डेली आदत करेगा तभी एकदम अच्छा एंटी एज जैसा भी काम करेगा, एंटी एजिंग है, लेकिन ये खुला हुआ ही चाहिए पत्ता ऐसे, हां आ जाएगा मुसली, दो टाइप में आएगा, सफेद मुसली आएगा और काला मुसली आएगा, काला सफेद देखा था सब्जी जैसा काम करेगा,
बट ब्लैक देखा तो मेडिसिन आएगा, बट दोनों साथ में देखा तो मेडिसिन जैसा काम करेगा। सफ़ेद मुसली इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए लेडीज जेंट्स दो ही गाज सकता है। काला मुसली वही सफ़ेद मुसली साथ में देखा तो ओनली फॉर जेंट्स, उसका वाइटर पावर सेक्शर पावर स्पर्म्स काउंट सारा बढ़ाने के लिए काम करेगा सर मुसली। एवोकाडो, एवोकाडो बटर फ्रूट, एवोकाडो का भी पेड़ है। बटर फ्रूट, बटर फ्रूट है। इसका नाम बोला गया लस्तुशिया, ये लस्तुशिया बोला गया प्लांट को। लस्तुशिया जैसा देख सकते हैं, बट एकदम मेडिसिनल आएगा एसिडिटी अल्सर के लिए। वही गैस ऐसा तकलीफ है तो इसका लीफ एक फूल दोनों साथ में खाना का तारीख पे ओके आराम मिलेगा। प्रॉब्लम कब तक यूज करना है क्या नाम उसका? रस्तुशिया। रस्तुशिया सदावरी यूज करते हैं जी। ये वाला सदावरी सदावरी का बोला क्यों बेल है ना जी बेल आएगा क्यों ऑफ हर्ब बोलेगा क्यों ऑफ हर्बस हर्ब क्यों ऑफ हर्ब्स। इसका इस्तेमाल क्या है? शदावरी बोलेगा इसका रूट मेडिसिन के लिए काम करता है। इसका रूट पानी के अंदर उबाल के पानी पीने का है। लेडीज जेंट्स दोनों के यूरिन इन्फेक्शन सारा स्टॉप करता है। ओके हां स्पॉट में हां बाकी सारा देखा है तो इसका एक अलग नाम आएगा वुमेन्स प्लांट है। वुमेन्स लेडीज के लिए यूज करते हैं लेडीज के लिए। हां सारा प्रॉब्लम 100 बीमारी तक इसमें काम आएगा। मींस मेनोपॉज आएगा मेंस आएगा इरेगुलर ब्लीडिंग आएगा ओवर ब्लीडिंग वाइट डिस्चार्ज शुगर इन्फेक्शन पीसीओडी पीसीओएस हार्मोनल इंबैलेंस ब्रेस्ट मिल्क इंक्रीज करना तक सारे प्रॉब्लम के लिए इसका क्या क्या प्रॉब्लम है सारा के लिए मेन कंटेंट शदावरी से था। शदावरी मेन कंटेंट है। ओके इस बोलेगा 3 लीव्स मोविला बोलेगा मेरा 3 लीव्स बोलेगा या इसका फायदा ये थायराइड थायराइड के लिए काम करेगा। बेल एक ट्री आएगा जी बेल पता ट्री है हां भगवान के लिए यूज करते हो ना पूजा के लिए ये देखो तो ये आपने बोलेगा वो ट्री आएगा ये बेल आएगा। क्या नाम बोले इसका आपने? थ्री लीव्स नाम क्या इसका? मोविला। थ्री लीव्स है इसका लीव्स अलग रहता है वो बेल का। ये थ्री लीव्स है मोविला। इसका इस्तेमाल क्या बोले आपने? थायराइड के लिए। हाँ थायराइड के लिए अच्छा है ये। ओके ओके थायराइड इसका शेप देखा था थोड़ा साफ जैसा स्नेक टाइप है इसलिए नागदंडी नहीं है तो सर्पनी ना ऐसा नाम आएगा। स्किन डिजीज के लिए काम करेगा। ओके स्किन डिजीज कुछ कीड़ा खटा है उस जगह पर इसका पत्ता पीस के रखने का है 20-30 मिनट इसके बाद देखा तो सारा पोर्शन अब्सॉर्ब करके देगा। ओके स्नेक ये स्किन डिजीज के लिए यूज़ करें। और फिर इधर देखा तो ये मसाला इलायची ये वाला टी इलायची बड़ी इलायची काला इलायची मसाला इलायची का जन्म प्रदेश सिक्किम नहीं है तो आसाम आएगा। हम इधर केरल में इतना आदत नहीं है नॉर्थ इंडिया से ज़्यादा यूज़ करें। काली जो काली वो काली वाली मोटी इलायची ना जो बिरयानी मोटी इलायची काली वाली इलायची ब्लैक वो भी सीड है क्या ग्राउंड में आता है वो? हां जी ग्राउंड में है अंदर रहता है वो नहीं बाहर अभी फ्लावर शुरू हो गई। अच्छा उधर आएगा काली काली मिर्च काली मिर्च काली काली इलायची बड़ी इलायची बड़ी इलायची काली मसाले की काली बड़ी इलायची। अर्निका होम्योपैथी एलोपैथी देखा तो हेयर के लिए शैम्पू के लिए फेस के लिए मेडिसिन तैयार करता है। बट अर्निका के मतलब देखा है तो वादम कुल्ली आएगा वादम मीन्स वाद कुल्ली मीन्स किलर आर्थराइटिस किलर मेडिसिन आएगा किलर मेडिसिन आएगा। सो केरला देखा है तो आयुर्वेद केरल का ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट आएगा। ये पेन ऑयल के लिए मेन मेडिसिन इससे तैयार करता है। अच्छा इससे पेन ऑयल हमारा गले गले के नीचे कुछ भी दिखता है तो कहीं भी प्रॉब्लम है तो भी ये मेडिसिन यूज करना है। कौन सा भी कैसा भी प्रॉब्लम है तो मतलब नेक पेन नी पेन जॉइंट से और पाकिस्तान से पैरालिसिस स्ट्रोक तक मेन मेडिसिन इससे तैयार करता है। क्या नाम है इसका? अर्निका। अर्निका अर्निका। और इस साइड में लास्ट सर्कल में देखा तो आपको अशोका देख सकते हैं। शोही अशोका नहीं है ये मेडिसिनल अशोका आएगा। शोही अशोका देखा तो एक पेड़ में बहुत ब्रांचेस आएगा वो आएगा शोही अशोका और मेडिसिनल अशोका आएगा। इसका फ़ायदा देखा है तो इसमें रूट और फ्लावर सीड ये तीनों मेडिसिन के लिए यूज़ करता है। अभी आपको सफ़ेद बाल हुआ ना आप लोगों को जानता है काय के बारे में आप लोगों को सफ़ेद बाल हुआ बुढ़ा हो गया इसके लिए सबको भी है ना ये दोनों के एक ही रीजन है एज हो गई। एज हो गया एज के बारे में सफ़ेद बाल ऑटोमेटिकली आएगा बट अभी छोटी छोटी उम्र वाले लोग को भी शुरू आएगा इसका मतलब उनका भी एज नहीं हुआ ना
टेंशन स्ट्रेस और इम्बैलेंस ऑफ टाइम हार्मोन इम्बैलेंस वगैरह भी ऐसा होता है हार्मोन इम्बैलेंस है क्या बेटा सफेद बाल का वजह इतना इफेक्ट बालों के लिए नहीं इफेक्ट करेगा इससे एक ही रीजन मेलानिन मेलानिन अच्छा मेलानिन मेलानिन हमारे बॉडी में मेलानिन है मेलानिन का भी एज है 50 साल 50 के ऊपर सबके अंदर ऑटोमेटिकली आएगा 50 के नीचे है तो इसका मतलब एक ही रीजन मेलानिन कमजोर है मेलानिन कमजोर है उसके लिए उसके लिए इसे यूज करने का अशोका इसका सफेद अशोका ये वाला कन्वर्ट करके काला करके दे ठीक है मेनली वो 55 तक डाई करने का जरूरत नहीं पड़ेगा इसके लिए अशोका अशोका इसको खाने का रहता है क्या ना लगाने वाला मेडिसिन लगाने वाला लेकिन ये सब आयुर्वेदिक इसमें मिलना चाहिए ना अशोका ये मधुनाशिनी आएगा इंसुलिन ब्रांड ये इंसुलिन डायबिटीज के लिए बट ये एकदम गिफ्ट ऐसा बोल नहीं सकता एकदम गिफ्ट 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 ऐसा बोलना क्या क्योंकि सिर्फ 20 डेज में चालू वाला दवाई बंद कर सकता है ठीक है कोर्स जैसा यूज करना है 90 दिन इसके बाद ये भी बंद कर सकता है मैंने बोला एकदम गिफ्ट मेडिसिन है मधुनाशी कम करने वाला मेडिसिन नहीं है पैंक्रियास इंप्रूवमेंट करने वाला मेडिसिन हमारा बॉडी को पैंक्रियास इंप्रूवमेंट करना तो ऑटोमेटिकली डायबिटीज लेवल कम हो जाता है नॉर्मल आएगा इसके लिए एक काम करता है लॉन्ग इसमें ये साइड में लास्ट देखो एक सब सब फ्लावर के लीफ के ऊपर देखे तो फ्लावर जैसा दिख रहा है इसमें देख सब फ्लावर सब लीफ के ऊपर फ्लावर जैसा दिख रहा है लीफ के ऊपर ना सब लीफ के ऊपर हाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकला हुआ है लॉन्ग तो एक एक लीफ में एक तीन चार लीफ में एक ही लॉन्ग निकलता है फिर है ना चार का लीफ है उसके बीच में एक लॉन्ग आएगा ना सब लीफ में आएगा जी सब लीफ में आएगा पांच तक आएगा ओके ओके सबके ऊपर है ये पेड़ में है ना हाँ ये पेड़ ये पेड़ लॉन्ग का पेड़ है ये लॉन्ग का पेड़ अभी फिलहाल तो है ही नहीं ना सैंपल नहीं है उसमें ऊपर देखो इस साइड में लास्ट देखो इधर से देखो हाँ वो दिख रहा है लेकिन वो एकदम फोटो में नहीं आएगा थोड़ा सा ऊपर हुआ ना अभी शुरू आ रहा है हां फ्लावर फ्लावर हां ठीक है वो आएगा लॉन्ग थोड़ा हल्का येलो येलो कलर का है हां लॉन्ग अपने को कौन सा कलर में यूज करता है जाता है ब्लैक है ना हां सो है तो वेस्ट आएगा ओरिजिनल कलर डार्क ब्राउन में आएगा लाइट ब्राउन ब्लैक है तो वेस्ट है मतलब इसके अंदर तेल है ये तेल दाम पेन के लिए की बहुत अच्छा है इसलिए डॉक्टर साहब क्या करेगा ये तेल लॉन्ग का तेल निकालने के बाद वेस्ट काला पूरा आप लोगों को दे रहा है काला जो है वो वेस्ट है ब्राउन जो है ओरिजिनल है उसमें अगर ऊपर ऊपर का जो फूल का जो पत्ता रहता है जो ऊपर जो बना रहता है फूल बना रहता है वो टूटा हुआ है अच्छा चाहिए वो नहीं वो चलेगा उसमें कोई साइड इफेक्ट मतलब ब्राउन कलर रहना चाहिए जो ब्लैक हो गया ना उसका तेल निकल गया हाँ तो वो अच्छा नहीं है दांत के लिए अच्छा नहीं है नहीं नहीं वेस्ट मतलब उसका उसका मतलब स्पाइसेस में वेरी स्पाइसी कौन सा है तो काला मिर्ची बोलेगा वेरी स्पाइसी है काला मिर्च हमारा लॉन्ग खा के देखने के बाद अब बोलने के लॉन्ग और काला मिर्ची एकदम स्पाइसी लॉन्ग आया मैं देगा लॉन्ग है उस साइड में आपको अडूसा देख सकते हैं अडूसा ये वाला सामने वाला अडूसा अडूसा क्या हमारे घर में है क्या पत्ता पत्ता नहीं दवाई दवाई है अच्छा खांसी के लिए यूज करते हैं सिरप वाला इसका पत्ता खाने से भी होगा ना कौन सा वाला जी खुशबू लॉन्ग की है इसमें लॉन्ग की खुशबू आ रही है पत्ते में तो ये लॉन्ग का ही पत्ता है और ये लॉन्ग का झाड़ है यहाँ पर इसमें से हर एक पत्ते से बारीक सा निकलता है फूल टाइप वही लॉन्ग बनता है पत्ते के सामने आ रहा है क्या हाँ हाँ वो जो आता है ना पर एक्स्ट्रा जो उसका दिख रहा है इधर एक्स्ट्रा आता है ना वैसा नजर नहीं आएगा ऊंचाई पर हो अरे ये फूल बना ना फूल इधर ये फूल वही उसका बनता है मैं करूँ कैंसर प्रिकॉशन जैसा भी एक काम करेगा और कैंसर ये वाला ये वाला कैंसर प्रिकॉशन जैसा है हम इसका पत्ता पानी के अंदर उबाल के पीने का है ओके कैंसर वाले लोग इसका काउंट बढ़ाने के लिए इसका पत्ता काली पेड़ खा लेते हैं क्या नाम बोले इसका लक्ष्मी तिरु लक्ष्मी तिरु पैराडाइज ट्री है
पैराडाइज 3। देखिए अभी अपने मार्केट में तो अपने को इसका दवाई मिलेगी ना, पिसा पत्ता दुकान पे तो उसका बोलना पड़ेगा ना। इसका पत्ता मिलने का बहुत परेशान नहीं मिलता है, दवा मिलती है इसकी शायद। एक्चुअली कैंसर देखा तो जी हम सब लोग को मेडिसिन दे नहीं सकते, डॉक्टर के सामने मेडिसिन दे। हाँ डॉक्टर का ही है जी, और अलग अलग स्टेजेस आएगा तो देखने का है फिर मेडिसिन। वैसे भी देखो तो अय्यप्पाना देख सकता है, अय्यप्पाना यूपिटोरियम अय्यप्पाना, ये भी मेडिसिन माइग्रेन के लिए भी काम करेगा और स्पेशली देखा है तो पाइल्स के लिए। अच्छा पाइल्स के लिए अय्यप्पाना। हाँ अय्यप्पाना मतलब कॉन्स्टिपेशन वगैरह है तो इसका पत्ता पानी के अंदर बन के पीने का है, कॉन्स्टिपेशन दूर करके देगा, पेट एकदम साफ करके देगा। मेडिसिन जैसा देखा है तो मेडिसिन का फायदा पाइल्स फिस्टुला फिस्टुला ब्लीडिंग हेमर होने सारा दूर जाने के लिए, ब्लीडिंग है तो 3-5 डेज के अंदर दूर जाएगा, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम एक दिन में दूर करके देगा। कॉन्स्टिपेशन का बेस्ट है तो इसका इसका मेडिसिन बाहर मिलता है मार्केट में बना के ऑलिव तो छोटा है ना, अंजीर का झाड़ है अपने को नीचे है तक ना, ये अंजीर नीचे आता है इसके। एक्चुअली अंजीर का सीजन अभी नहीं है, नहीं है, हम लोग रीप्लांट किया सारा रीप्लांट किया उसको। इसके बारे में थोड़ा पानी ज्यादा डाला है, इसके बारे में वो शुरू हो गए। हां ये इसको भद्राक्ष बोलेगा, भद्राक्ष भद्राक्ष रुद्राक्ष की नकली इससे तैयार है भद्राक्ष। ओके ये अपने अंजीर में ले लेंगे, ये वाला नंबर 3 आएगा भद्राक्ष, भद्राक्ष का है उधर उधर सतरा गले पहनते जो। हां रुद्राक्ष अच्छा उसका ये उसका बीच था ना, नीचे देखा तो ये इलायची का झाड़ है। अच्छा इलायची का, ये इलायची लगी हुई है इसको नीचे, इलायची झाड़ ऊपर जाएगा सीड्स पूरा नीचे होता है, मतलब इसका जिंजर फैमिली आएगा, इसका दो रूट है, मट्टी के नीचे एक रूट जा रहा है, मट्टी के ऊपर एक रूट, ये ऊपर वाला रूट में सारा सीड शुरू आ रहा है। ओके ओके हर दिन इसमें सीड आएगा, बट डेली जाकर हम तोड़ नहीं सकता है। इसका अंदर वाला धनिया, एक सीड के अंदर वाला धनिया काला होने के लिए मैच्योर होने के लिए 45 दिन चाहिए, ऐसा हर 45 डेज से साइकिल जैसा हम तोड़ सकते हैं। फिर ऐसा तोड़ के हम डायरेक्ट धूप के नीचे सूख नहीं दे सकता है, ऐसा सूखा है तो इसका कलर पीला जैसा जाएगा, इसलिए हम स्पेशली इलेक्ट्रिक कार्डमम ड्रायर के अंदर मिला के सूख देगा, तब वो ग्रीन कलर ऐसा ही मिलेगा, और 5-6 केजी देगा तो रिटर्न 1 केजी मिलेगा। अच्छा। ये इलायची वेरी कॉस्टली है, इसका जन्म प्रदेश इधर ही है तेकड़ी है। तेकड़ी यहाँ से जन्म प्रदेश तेकड़ी है इलायची, इसे बहुत झाड़ रास्ते में देखा ना, ये झाड़ तो बहुत है। हाँ, रास्ते में बहुत दिखाई है। जायफल ये जायफल है ये वाला हमारा जैसा है, इसमें मेल आएगा फीमेल आएगा, तो फीमेल आएगा। अच्छा इसमें सिर्फ फ्लावर आएगा, इसमें सीड्स कुछ नहीं आएगा, सिर्फ फ्लावर। 100 फीमेल के लिए सिर्फ एक मेल चलेगा। अच्छा इसका पोलिनेशन एयर पोलिनेशन। फीमेल में दिखा हुआ है, फीमेल आ गया रहेगा, ऐसा पता चलता है मेल है फीमेल है, सीड नहीं आएगा ऐसा पता चलेगा, सीड नहीं आता मतलब फीमेल हो सर मेल है, और फीमेल में सीड आती है राइट, फीमेल में सीड आएगी, फीमेल मेल में सीड नहीं आएगा ना फीमेल में आएगा। हां जैसा फल दिख रहा है ना वो आएगा फीमेल, अपना फट जाएगा, इसके अंदर जावत्री आएगा, जावत्री के अंदर है जायफल, जायफल एक ही फल में आएगा, दोनों मसाला आएगा, बट जायफल देखा तो थोड़ा मेडिसिन जैसा भी काम करेगा, डाइजेशन के लिए स्टमक अपसेट है तो, और फेस में बहुत सारे पिंपल्स हुआ था इसके फेस में लगाना है, रात में नींद नहीं है, एक ग्लास दूध के अंदर एक पिंच मिला के पीने का
नींद 10 मिनट में आएगा, बट एक महीने में 3 नहीं तो 4 बार के ऊपर ऐसा मत पीना कि इससे फिर एडिक्शन आएगा। मतलब ये ड्रग जैसा काम करता है, इसलिए दुबई छोड़ के किधर भी ले जा नहीं सकता है, बैन किया। आपका लेके जा सकते हैं, आपका बैग में डाल के जाना है, आपका साइड बैग में मत डालना। वोमिटिंग टेंडेंसी के लिए, कभी अभी ट्रैवल के बारे में बहुत वोमिटिंग टेंडेंसी है ना, ये सारा दूर जाने के लिए थोड़ा किस के खाना ये दुकान है हलवे की टेकरी में। कितने किस्म के हलवे है, ये सब अलग टाइप के हलवे है। पाइन एप्पल है, जैक फ्रूट है, और है ना स्ट्रॉबेरी ना, और ये पाइन एप्पल और अलग अलग फ्लेवर है। और यहाँ पर केला चिप्स बन रहा है, केला चिप्स के बना रहे हैं लोग। हाँ खाने के लिए खजूर लो, ले लो। तो ये हमोश कौन सी अच्छी है, 100 रुपीस। ये किमी बोलते ना अपना दवाई है, ये तो ले लो छोड़ा बॉक्स 120 रुपये का। ये सोप कितने का है? 30 रुपीस, 20 स्पाइस मिल रहा था, एक काली मिर्च अचार, ये प्याज का अचार, ठीक है। कौन सा अचार है, इसका नाम क्या है? आमला, अच्छा आमला अचार है, केवला में चॉकलेट से है, केला अमरा ना। हाँ, और ये काली मिर्च है, काली मिर्च अचार है। ये कौन सा हलवा है, हलवा मस्कोत। ये वाला कौन सा हलवा है, मस्कोत मस्कोत हलवा। कोकोनट रोल भी है, कोकोनट रोल्स। हाईवे है, हम लोग थोड़ा वॉक कर रहे हैं हाईवे पर। टेकरी ये दर्शन दिया है, चेन्नई कितने दूर है, मैंगलोर कितने दूर है, और मदुराई, सलेम, डिंडीगुल, तिरुचोली, सबका लोकेशन दिया हुआ है इधर। फुटबॉल देख रहे लोग, फुटबॉल का मैच हो रहा है इधर, और इसके अंदर फुटबॉल देख रहे हैं।